नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फिर हटाया, फिर बनाया। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कुलदीप सेन को, यह उनका अपमान है, रीवा का अपमान है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश्वर पांडे ने। स्वच्छता सर्वेक्षण को लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फिर हटाया, फिर बनाया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुलदीप सेन को, यह उनका अपमान है, रीवा का अपमान है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने। नगर निगम परिषद अध्यक्ष साफ तौर से कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। वेंकटेश पांडे ने इस बात को कहने के लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हम आपको बता दें, विगत दिनों नगर निगम रीवा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप सेन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने, फिर उसका खंडन करने और पुनः ब्रांड एम्बेसडर 2023 नियुक्त करने के मामले में श्री पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर जिस तरीके से तमाशा किया गया, ये कतई अच्छा नहीं। श्री पांडे ने कहा, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाने की फोटो खिंचाई गई, शाम को उसका खंडन कर दिया गया। मीडिया में खबर आने के बाद पुनः उनको नियुक्त करने की बात कही गई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का बार बार अपमान है। परिषद अध्यक्ष ने मांग की, जिन अधिकारियों के द्वारा इस तरीके का अपमान किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुनिए वेंकटेश पांडे ने और क्या कुछ कहा। आघात महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप सेन जी कोई किसी जाति वर्ग विशेष के नहीं, वो रीवा के बिंद की धरोहर है, तो उनका ये अपमान बहुत खेदपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि माननीय महापौर जी, जो कि निगम के मुखिया हैं, वो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफी मांगे, जो कि ये गलत हुआ है। जिस समय ये फोटो खींच रही थी, जिस समय वो बैनर के साथ फोटो खींचा रहे, उसमें नगर निगम के अधिकारी भी शामिल थे, एसके चतुर्वेदी जी, जी क्या उनको ये संज्ञान नहीं था कि बिना बनाए इनको कैसे पोस्टर लगाया जाए, क्या उन्होंने आपत्ति की थी उस समय? कोई आपत्ति नहीं, वो मैं वहां से निकला हूँ, मुझको भी रास्ते में मिले हैं, तो उनसे मुझसे बोले कि कहाँ से आ रहे हैं, तुम बताए कि हम वार्ड नंबर 10 में भ्रमण में गए थे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के साथ भ्रमण था। लौटे तो उन्होंने बताया कि हमारा कुलदीप सेन जी से परिचय करवाया, उन्होंने बताया कि आप कुलदीप सेन जी हैं, अपने उनसे पहले से भी परिचित था, पर उन्होंने बताया कि इनको हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आप लोग देखेंगे ये छाया फोटोग्राफ्स भी हैं, ये देखिए आप, उनको माला पहनाया गया है कुलदीप सेन जी को। एसके चतुर्वेदी जो कि इसके स्वास्थ्य के नोडल हैं, रैंकी के कर्मचारी हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, मुरारी जी, ये सब लोग साथ में खड़े थे। तो इस तरह से अपमान किसी इतने बड़े खिलाड़ी का, ये बहुत निंदनीय है। और मैं पुनः महापौर जी से ये आग्रह करूंगा कि वो पूरे समाज से, सबसे और खासतौर से कुलदीप जी से माफी मांगे, क्योंकि अब न होने के नाते आप नगर निगम के परिषद अध्यक्ष हैं, आपने क्या अधिकारियों से सवाल पूछा कि आपने जब उनके साथ फोटो खिंचवाई तो उसके खिंचवाई थी, क्या उस समय आपने मान लिया था कि ब्रांड एम्बेसडर था? जब मैं वहां से गुजर रहा था, एसके चतुर्वेदी जी जो इसके नोडल हैं, उन्होंने स्वयं मुझको वहां पे रोक करके कहा कि आइए, बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गए, कुलदीप सेन जी हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण की, अभी हम लोग सैनिक स्कूल गए थे, अब आकर के यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिरमौर चौराहे के पास, अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, चाय होती है हमारे साथ भी फोटो जी। जी, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आयुक्त को मैंने पत्र लिखा है कि चतुर्वेदी जी किसके कहने पे गए, और उससे भी बड़ी बात है, आप अगर इस पे छाया चित्र में देखेंगे तो साफ साफ इसमें ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप सेन जी का नाम लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा अपमान किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का, ये समझ से परे है। महापौर जी हमारे इस कुलदीप सेन जी को लेके है, तो अभी तो मैं इस पे ही बात कर रहा हूँ। जहां आपने कहा टकराव की बात, भूमि पूजन को लेके आपने पूछा, तो मैं उसमें भी जवाब दे रहा हूं, किसी भी नियम अधिनियम में भूमि पूजन का उल्लेख नहीं है। ये एक परंपरा चली आई है कि वार्ड में कार्यक्रम होते हैं, वार्ड पार्षद अपना किए, किसी को बुलाए, किसी को नहीं बुलाए। पर ये पहली बार देखने को मिला कि मेयर इन काउंसिल ये निर्देश जारी कर रही है कमिश्नर को, आयुक्त को, कि बिना महापौर जी के कोई भूमि पूजन होगा ही नहीं। रीवा शहर में 45 वार्ड है, हर वार्ड में 5-7, 10-10 कार्यक्रम हो रहे हैं, तो महापौर जी क्या सुबह से शाम तक केवल नारियल फोड़ेंगे कि और कुछ करेंगे?
जो वार्ड का पार्षद, आप भी जानते हैं, आप भी रीवा के रहवासी हैं, कोई भी काम को लेकर कोई भी व्यक्ति महापौर के पास नहीं जाता, पहले अपने वार्ड पार्षद के पास आता है अपनी समस्याओं को लेकर। पूरे समय जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसमें 70% जो भागीदारी पार्षद की होती है, सुबह से शाम उसमें लगता है। और उसके पास एक तो भूमि पूजन में नारियल फोड़ने का, वो भी आप अधिकार छीनने की बात कर रहे हो जबकि आपको अधिकार नहीं है। भूमि पूजन नगर निगम के अधिनियम में कहीं नहीं है, ये एक औपचारिकता है। कोई शुभ कार्य करने के पहले आदमी श्री गणेश नारियल श्रीफल अपना उच्च कर देता, बाकी ऐसा कोई टकराव की स्थिति नहीं है। तो मुद्दा भी ये था कुलदीप सेन जी वाला, तो मेरा केवल इतना इसमें कहना था। और दूसरा, रीवा की जनता को और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये आपके अमृत 2 में जो 158 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं उसमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। रीवा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी का भी मैं इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। रीवा के सांसद परम आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी का भी मैं इसमें आभार करता हूँ। मैं आयुक्त नगर निगम का भी इसमें आभारी हूँ। अधीक्षण यंत्री संभागी उनका भी मैं आभारी हूँ और पूरी परिषद का आभारी हूँ, जो कि परिषद ने इसमें कहीं भी अवरोध बिना इसको पास किया। तो मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और रीवा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जल्द पेयजल की समस्या सुनकर। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।